खरगोन में कसरावद विधानसभा क्षेत्र के 129 गांवों को निमरानी सामूहिक नल जल योजना के माध्यम से नर्मदा का पेयजल वितरित किया जाएगा। शासन प्रशासन स्तर पर करोड़ों की सौगात मिलने से क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि 237 करोड़ की लागत से तैयार इस सिस्टम में लेपा से नर्मदा जल को उठाकर 3 टंकियों में पहुंचाकर वितरित करने की रूपरेखा विधायक सचिन ने तैयार की थी और उसे मूर्त रूप से देने की कवायद जारी है। इस दौरान सचिन यादव ने बताया कि पिताजी के प्रयास से नर्मदा जल निमाड़ की धरा पर लाया गया। उसी कड़ी में नल जल योजना के माध्यम से नर्मदा जल फिल्टर करके 130 गांवों को पेयजल वितरित करके पिता के सपनों को साकार करेंगे। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। देखिए, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सरकार में हमने जल का अधिकार का कानून बनाने का काम हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने करा था और उसी तारतम्य में हमने निमरानी सामूहिक नल जल योजना का प्रस्ताव हमने बनवाया था और वो प्रस्ताव बनवा करके हमने उसकी निविदाएं जारी करके इस योजना को मंजूरी की दिशा में हमने बड़ी तेज़ी से कदम उठाने का काम करा था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद जो विलम्ब हुआ उस दौरान हमने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से इस योजना को पुनर्जीवित करने के लिए, इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करें और उन प्रयासों का नतीजा है कि हमारी ये योजना एक महत्वपूर्ण हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर ये योजना साबित होने जाएगी। जिस प्रकार स्वर्गीय पिताजी ने माँ नर्मदा का पानी किसानों के खेतों में पहुँचाने का काम किया, उसी प्रकार से हमने और हमारे साथियों ने लगभग 129 गांवों में माँ नर्मदा का पानी, शुद्ध पेयजल, फिल्टर्ड पानी पहुँचाने की योजना हमने स्वीकृति कराई है, जिसकी लागत लगभग 237 करोड़ रुपए है और जिसको जल निगम के द्वारा स्वीकृत किया गया है और ये इसमें लगभग 781 किलोमीटर की पाइपलाइन के माध्यम से, जहां पर एक इंटेक वेल लेपा में हमारा जो गांव है वो लेपा के गांव से पानी उठाया जाएगा और रसीदपुरा में यहां पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और 3 बड़ी बड़ी टंकियों के माध्यम से पूरे 130 गांव में ये पानी वितरण का काम किया जाएगा और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस कसरावद विधानसभा क्षेत्र की के लोगों के लिए रहेगी। मैं जो है माँ नर्मदा का आशीर्वाद जो है हमारे पूरे क्षेत्र पे लगातार बना रहा है और जो है उसी के उन्हीं के आशीर्वाद के का परिणाम है कि ये एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी योजना जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।